बेलीपार पुलिस ने कच्ची शराब के बड़े अड्डे पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने मौके पर हजारों कुंतल लहन और कच्ची शराब को नष्ट किया। वहीं छापेमारी की भनक मिलते ही शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। मामला बेलीपार थाना के कुसमौल इलाके का है, जहां सोमवार की देर शाम को बेलीपार पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की थी, जहाँ थानेदार संतोष कुमार सिंह ने मौके पर बड़े पैमाने पर की जा रही कच्ची शराब के धंधे का भंडाफोड़ किया, साथ ही हजारों लीटर लहन को नष्ट किया। हालांकि पुलिस के आने की सूचना मिलते ही कच्ची शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। वहीं मामले का खुलासा करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बेलीपार थानेदार ने कच्ची शराब के बड़े अड्डे पर छापेमारी की है। एसपी साउथ का कहना है कि मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, कम से कम नहीं होगा तो 1000 लीटर लहन तो होगा। 1000 होगा। चला रख दे, वो को पलट दे। कुसमौल के पास कल एसएचओ को सूचना मिली थी, जिसमें उनके द्वारा शराब पर दबिश दी गई और हजारों कुंटल लहन नष्ट किया गया है। जो अपराधी जो हैं, जो इस कार्यों में लिप्त हैं, वो मौके से भाग गए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। तो इस दौरान कोई गिरफ्तारी हो पाई है? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है। मौके से भाग गए थे वो सब, बच्चे उच्चे सब भाग गए, जितने थे पूरा सब परिवार सब भाग गए। लेकिन उस पर कार्रवाई की जाएगी और कठिन से कठिन सजा दिलवाई जाएगी।